हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल, सपोर्ट मी। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, सबका घर में यूजफुल वाला, थोड़ा मॉडर्न टाइप का जो गैस स्टोव है ग्रीन चेफ का तरफ से। ये बिग बिलियन सेल में मैं ऑर्डर किया था। क्या क्या फीचर्स ऑफर करते हैं, कितने मिला, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल, सपोर्ट मी। वैसे MRP इसका 1 रुपये कम 17,000 था, मेरे को ये पड़ा है ऑफर में 5,700 रुपीज़ तो, वो भी विथ EMI। इसका फ्लिपकार्ट में रिव्यूज़ भी ठीक था, 4.3 आसपास था, काफ़ी सस्ता में। बाकी और कंपनीज है, कोई 10,000 कोई 12,000 है, उनका रेटिंग कम है, इसीलिए ये लिया था। इसमें दो मॉडल आते हैं, केल्विन मॉडल एक है, ये ग्लासो मॉडल एक है, दो मॉडल है इसमें। मैं तो ये वाला ऑर्डर किया था, दोनों एक जैसा दिखता है आपको, चाहे तो फ्लिपकार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर एक जंबो बर्नर है, दो बड़ा बर्नर एक छोटा बर्नर दिया हुआ है। ये टफन ग्लास है 7mm का, कोई मतलब हल्का पुल्का कोई भी चीज़ गिरने से टूटने का डर नहीं रहता है, टफन ग्लास काफ़ी मजबूत होता है। ऑलरेडी मैं 4 बर्नर वाला स्टोव यूज़ कर रहा हूँ, कुछ उसका लीकेज, मतलब जो गैस का लीकेज का स्मेल ज़्यादा आ रहा है। सनफ्लेम था, 10 साल हो गया शायद, इसीलिए अभी चेंज कर रहा हूँ। इसका मैनुअल दिया हुआ है, बुकलेट पूरा पढ़ कर सकते, इसमें कुछ नहीं है, एक बैटरी लगता है, वो भी मैं दिखा दूंगा आगे जाके। इसका वारंटी कार्ड है, आप पोस्ट कर दीजिए उसको एड्रेस वड्रेस लिख के, ताकि आपका नाम से रजिस्टर हो जाएगा। 2 साल का वारंटी दिया हुआ है, मैं एडिशनल और 2 साल का वारंटी भी लिया हूँ, ताकि 4 साल रहेगा तो। क्यों, ये ऑटो इग्निशन मॉडल है, इग्निशन का ही प्रॉब्लम होगा, स्टोव में कुछ नहीं होता है। बर्नर सब कुछ दिखाऊंगा, ब्रास का है, 4 बर्नर, प्लेसमेंट अच्छा है, काफ़ी बड़ा नहीं है, एरिया कैप्चर करते हैं, ऐसे भी छोटा भी नहीं है, करेक्ट प्लेसमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर स्टील का जो नॉब्स दिया हुआ है, ऊपर से स्टील का दिया, नीचे प्लास्टिक है, और इंडिकेटर्स भी दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है नॉब्स। इसमें मेन है ये स्टार्टिंग वाला है जंबो बर्नर, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, हेवी काम करने के लिए, पूरा ब्रास का दिया हुआ है, और ऊपर में ब्लैक कलर का एक कोटेड दिया हुआ है गनमेटल का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ज़्यादा हेवी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी ठीक है। ये जाली को एक बार मतलब निकालने के लिए रखा था, मतलब इसका अंदर कुछ गिर ना जाए, ये एक बार फिक्स कर दीजिए। उसके बाद ये सबसे स्मॉल बर्नर है, सेम कोटिंग के साथ पित्तल का आता है। उसके बाद ये नॉर्मल हम लोग घर में बड़ा वाला बर्नर होता है ना, वो है, वो वाला दो दिया है, एक स्मॉल दिया, एक जंबो दिया, टोटल 4 बर्नर है। बर्नर का क्वालिटी ठीक लगा। यहाँ पर स्टार मार्क दिया था, वहाँ पर इग्निशन है, मैं आगे जाके मतलब बैटरी डाल के उसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये लो राही के लिए, स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, नया नया में तो ऐसा रहेगा, देखते आगे जाके, इसीलिए वारंटी लिया है। और मतलब वो आपको इग्निशन बंद नहीं, बंद हो जाएगा तो आप लाइटर से भी चला सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ा बैटरी होता है ना, मोटा वाला, जो पहले हम लोग मतलब टॉर्च लाइट में यूज़ करता था, वो वाला मैं डालना पड़ेगा, मैं मंगाया था। बाकी नीचे कनेक्शन है, यहाँ पर एक हीट मतलब रिड्यूस वाला एक लेयर दिया हुआ है। ये केल्विन मॉडल के लिए स्टेनलेस स्टील आता है, यहाँ पर GI का दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ रश वश तो नहीं लगते। सेट करके मैं एक बार किचन में जाके आपको दिखा दूंगा ऑन करके पूरा, अभी एक बार लुक देख लीजिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा ये रहेगा, मतलब कैसे ऑन करना, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगा। ये हमारा किचन है, ये पहला वाला था सनफ्लेम, काफ़ी अच्छा है ये भी, ये अभी वाला थोड़ा उससे ये थोड़ा बड़ा साइज है। चलिए ये वाला सेल लगता है, मोटा वाला सेल 40 रुपीज़ का मिला है, साथ में देना चाहिए था वो दिया नहीं है, ये पता नहीं कितना दिन चलेगा,
मतलब वो 5-6 महीने चलेगा तो ठीक है, नहीं तो या 1 महीने चलेगा, एक बार यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। सिंपल अपना जो टच में जैसा लगता है स्प्रिंग पीछे के साइड में फ्रंट में, ये बस यहाँ पर देख सकते इग्निशन का साउंड यहाँ भी है, उसी में ये टच होके आता है। यहाँ पर प्लास्टिक कैप दिया हुआ है, इसको निकाल के होस पाइप को और अच्छे से असेंबल कर दीजिए। यदि पाइप खराब हो गया होता आप दोबारा इसको चेंज करने से अच्छा है। मैं तो फिलहाल के लिए लगा दिया, बाद में इसको गम भी अप्लाई कर दूंगा। देख सकते हैं काफी सॉलिड नीली कलर का जो लाइट है। ये कैसे लगा आप प्लीज नीचे कमेंट करना। 5700 में बिग बिलियन सेल में काफी कुछ ऑफर्स था। मैं अपो रेनो 10 को मैं 17,000 में लिया था एक्सचेंज में। इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं, ये आपका किचन का मतलब सूटेबल डायमेंशन होता आप ले सकते हैं। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मॉडर्न टाइप का, यदि चाहे तो लेडीज़ के लिए फेवरेट होता है किचन, और उनके लिए ये एक गिफ्ट के तौर पर भी अच्छा लगता है। चलिए अभी कुछ सामान भी और भी ऑर्डर किया, जो भी अभी डिलीवरी होता रहेगा मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।